دستور ما شاء الله فاز عاصم شيخ محمد الرحباني طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा, चाहे काफिर उसको नापसंद करें या नफरत करें, उनका कोई हुक्म नहीं चलता, उनके पास कोई कुव्वत नहीं है अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला के सामने। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह की मर्जी से वो अपनी रोशनी को पूरा करेगा, उसका नूर पूरी दुनिया पर छाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का नूर है इस्लाम, दिल रोशन होंगे इस्लाम से, ये नूर चारों तरफ होगा। जब इस्लाम किसी के दिल में आता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है उसकी रोशनी से, अगर वो नूर उस इंसान में नहीं है चाहे वो फिर कितना ही कोशिश कर ले उसको पाने की, वो बेकार है। रोशन होने के अलावा ये नूर खुसूसी नूर है, जब ये दिल में दाखिल होता है तभी ये दिखता है, नहीं तो लोग इसको जान ही नहीं पाते। उन लोगों के चेहरों पर अंधेरा होता है ना कि नूर, जितना ज्यादा वो अल्लाह से अपने आप को दूर करते हैं उतना ज्यादा अंधेरा उनके चेहरों पर छाता है, उनके चेहरे लोगों को उनसे दूर भगाते हैं। नूरानी लोगों में एक वाकफियत और मोहब्बत होती है, ये अल्लाह की नेमत है जो सबको नहीं मिलती, लेकिन इंशाअल्लाह ये अल्लाह का वादा है कि ये नूर पूरी दुनिया में फैलेगा, ये नूर सब जगह होगा, तब लोग दोबारा से गुमराह हो जाएंगे, जंगली हो जाएंगे, और फिर उसके बाद कयामत का दिन आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अभी हम जो जी रहे हैं आखिरी जमाने में, अलग अलग तरह की वाकयात सामने आ रहे हैं, बिल्कुल मुश्किलों के बाद आसानी होगी और अल्लाह का वादा पूरा होगा इंशाअल्लाह। इसलिए हम देखते हैं कि लोग, हम देखते हैं कि मुसलमानों की के हालात पर मायूस होना लाजिम है, ये मगर होना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि ये नूर बाहर आए, ये नूर अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की तरफ से खूबसूरती है, ये खूबसूरत रोशनी है। लोग जिनको ये मिलती है वो किस्मत वाले लोग हैं, अल्लाह इस नूर को हमारे ऊपर बाकी रखे और ये रोशनी पूरी दुनिया में आए जल्द इंशाल्लाह।